आपको चौंकना ही पड़ेगा जब मैं आपको बताऊंगा ये भोला भाला सा दिखने वाला लड़का पकड़ेगा अपने घर से मछलियां, वो भी कोसों दूर के तालाब से, कैसे? अपने ड्रोन से। तो ड्रोन हो गया है लॉन्च, लेते हुए बोतल और उसके नीचे कांटा जिसमें लगा हुआ है मछली का चारा। अब ये गया तालाब के अंदर और मछली बाहर। देखिए मतलब घर घर बैठे भी आप मछली पकड़ सकते, क्या बात है। देखिए अब इस समझदार लड़के को देखिए, इसका आइडिया तो अच्छा है पर इसका तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मछलियाँ कभी भी ऐसे हाथ से कांटों में नहीं फंसेगी, क्योंकि अगर ये उंगलियाँ हिलती रहेंगी तो बिल्कुल नहीं आएंगी। फिर भी अगर आपको ट्राई करने का मन कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं क्या हुआ। बेशक अब आपके लिए काम का जाल आया। देखिए लकड़ी का बंबू का बनाया गया ऐसा एकदम अनोखा तरीका का ये बनाया गया है जाल, जिसमें आप जो कम पानी में छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं उनको पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा जुगाड़ है, इसे ट्राई करें। अरे नहीं 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 चिचा, ऐसा मत करो, नहीं पकड़े जाएंगे ऐसे मछलियाँ, नहीं होता है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। पहले लोग ऐसे दिखाते थे कि ऐसे कांटों में फंस जाती है मछलियाँ, पर आपसे तो ना हो पाएगा। अब ये वाला तरीका एक हद तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे हार्ड प्लास्टिक का ऐसा जाल बना रहे हैं तो इसके अंदर मछलियाँ जाएंगी कि नहीं जा, अगर कुछ मछलियाँ भेल तक का जोर लगाएंगे तो क्या पता जा पाएं, लेकिन छोटी मछली के जाना मुश्किल है। फिर भी आप अपना जोर लगाइए। अब देखिए इस महाशय को जो कि नंगा बदन और एक फावड़ा लेके आ चुका है मछली तालाब किनारे, क्यों? गड्ढा खोदने के लिए। गड्ढा खोद के यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ पे ढेर सारे पाइप और इस पे इसके अंदर डाल रहा है अंडा चारा कह सकते हैं मछली का। मछलियों को सुना तो है कि मतलब वो मछलियाँ ऊपर भी चढ़ जाती हैं, अब पाइप में कैसे चढ़ी कैसे आई इसमें मुझे थोड़ा झोल लग रहा है। आपने अगर आपने ट्राई किया तो कमेंट में बताना कभी ऐसा। हाँ अब ये चीनी लड़का जापानीज टेक्नोलॉजी का ये जो जुगाड़ लेके आया कृषि, ये बढ़िया है। देखिए अगर आप खेत किनारे जो गड्ढे या फिर नालियाँ होती हैं उसमें से आप छोटी छोटी मछलियाँ जो है उनको इस जुगाड़ से बिल्कुल सही तरीके से पकड़ सकते हैं। मेरी तरफ से ये मुंबई आ रहा है। यहाँ पे चीनी मामा भतीजे की जोड़ी अपना चाइनीज जाल लेके आ गए हैं यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए। उसमें भोड़ दिया तरबूजा। अब क्या मछलियाँ तरबूजा खाती हैं क्या, इसमें जाल में फंसेंगी? जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, कार्प प्रजाति और गोल्डफिश प्रजाति की मछलियाँ तरबूज सॉफ्ट तरबूज खाती हैं, पर अपनी देसी मछलियों का कुछ पता नहीं। मम्मी पूछे थे बेटा रसोई में से मेरी जाली किधर गई, देख उनको क्या पता कि मैं यहाँ मछली पकड़ने लाया हूँ, इस टोकरी को मैंने इसमें के सारे टिंडे फेंक दिए हैं और मैं लाया इसमें मछली पकड़ने क्योंकि मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन। भारी बरसात के बाद धान के खेत में जम जाता है पानी और उसमें आ जाती है मछलियाँ, तो ये आप लगा दीजिए नाली पे ये वाला बम्बू का जाल और हो जाओ मलमाल। गांव में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इस बोतल से बने हुए जाल के बारे में तो क्या ही कहना, ये बहुत कारगर है और इसमें छोटी मछलियों के लिए एकदम बेस्ट जुगाड़ है आपके लिए, आप इसको जरूर ट्राई करें। बस ध्यान रखें अपने दारू की बोतल ना डालें। ऐसा ही मिलता जुलता हुआ प्लास्टिक की बोतल का ये मछली पकड़ने का जुगाड़ भी काफ़ी कारगर है, जिसमें आपने लगा दिया चारा बोतल के ऊपर और इसमें मछलियाँ जब चारा खाने आएंगी तो बोतल के अंदर चली जाएंगी, हालांकि मछलियों के उसमें से बाहर निकलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के इस चाचा के इस आइडिया के लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बोतल दिख रहा है उसके हर के नीचे एक कांटा लगा हुआ है, जिससे कि आप कई मछलियाँ एक साथ पकड़ सकते हैं एक जगह से। ये पहलवान तो कांटे की जगह पूरे लोहे का संगला लेके आया है, उसके ऊपर फंसाया इसने पूरा का पूरा चिकन, मतलब आज दोनों पार्टी होंगे, चिकन के भी फिश की भी। और अब क्लाइमैक्स में आपको दिखाएंगे ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाला एक खिलौना नाव, जो कि जाली को ले जाएगा पूरे अंदर तक पानी में तालाब में, जो कि आप बड़े इलाके से मछली को पकड़ सकते हैं वो भी बिना खुद के अंदर पानी में गए हुए। उम्मीद है कि आपको ढेर सारी मछली मिलेंगी, अगर नहीं भी मिलेंगी तो कोई बात नहीं, हम आपको जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान जय हिंदुस्तान।